अस्सलाम वालेकुम। पहले हम देहात से शहर की तरफ आते हुए हमने वीडियो बनाई थी। अब आप देख सकते हैं कि शहर में हम दाखिल हो चुके हैं। ये टाउन हॉल है, दुआ चौक कहा जाता है इसको। ये आपके सामने है। हमारी तो यही कोशिश होती है कि आपके लिए कुछ नई चीजें पेश करें। और मैं मोबाइल को उसी तरीके से दोबारा अपने फ्रंट की जेब में रखूंगा और आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ये देखें, मैं फ्रंट जेब में रख रहा हूँ। ये ले। अब आगे जो आता जाएगा उसकी वीडियो बनती जाएगी। शायद मैं इस चक्कर में आपको सलाम करना भूल गया। एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम अमीर खान। ये देखें, ये मेन सिटी पुल है। आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो रहा होगा रहीम यार खान शहर का। ये देखिए, ये रहीम यार शहर है, शाही बाजार। कोई दौर होता था शाही रोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस रोड पे नवाब बहावलपुर, नवाब सादिक, वो बहावलपुर से जब आते थे अपने इलाके रहीम यार खान, अपना इलाका तो नहीं कह सकते, टोटल इलाका ही उसकी रियासत में शामिल था, बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान सादिक का जितना भी इलाका है। अगर हम उसको भाई एरिया देखें तो ये इससे छोटे छोटे मुल्क हैं यूरोप में, दुनिया ने कि ये एक मुल्क था, उसका अपनी रियासत थी, अपना कानून था, अपना अपनी उसकी करेंसी थी। तो वो इसी रोड से किसी जमाने में जाया करते थे पाकिस्तान बनने से पहले। अब देखते हैं कि हमारे वीडियो कितने लोग देखते हैं। जैसे साहब मंसूर अली खान कहते हैं कि हमारा टारगेट है मिलियन 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 की बातें करते हैं वो, कि हमारा मिलियन सब्सक्राइबर का टारगेट है। और कुछ कहते हैं कि पीटीआई वालों को दिल तोड़ने के लिए लोंडे लपाड़े का लफ्ज बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी बात उसको नहीं करनी चाहिए क्योंकि बात हमें जान सच के करनी चाहिए। बच्चे बच्चे को पता है, जिसको थोड़ी सी भी अक्ल समझ बूझ है, जिसकी आंखों के ऊपर पट्टी नहीं बंधी हुई, उसको पता है कि इस वक्त सच्चा कौन है और झूठा कौन है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी उन लोगों के सामने लेट गई जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया। उनके सामने कम अज कम उसको नहीं लेटना चाहिए था। कई लोग मुझे कहते हैं कि यार उन्होंने पाकिस्तान के भला करने के लिए पीटीआई को मैदान से निकाला, उसके साथ धांधली की, उसको इसलिए शिकस्त थी क्योंकि इसमें इंतहा पसंदी ज्यादा है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अच्छा, तो हर चीज उसके सामने लेट गई, ब्यूरोक्रेसी, स्टेबलिशमेंट, अजलिया, सभी लेट गए। तो कम से कम अगर उसने लेट नहीं था तो कम से कम जमात इस्लामी के लिए ही लेट जाते, जमात इस्लामी के लिए ही लेट जाते, क्योंकि आज तक उसको पाकिस्तान में हुकूमत करने का मौका नहीं मिला। लेटे भी तो किसके लिए लेटे, जो जब हम सऊदी अरब में काम करते थे
जॉब थी, तो उस वक्त हम यही कहते थे, हर आदमी के जहन में क्या होता था कि मैं यहाँ से इतना कमाऊंगा, मैं अपने मुल्क पाकिस्तान ले जाऊंगा, इंडिया वाले लोग कहते इंडिया ले जाऊंगा, वहाँ पे मैं अपना काम करूंगा। ये हमारे हुक्मरान जो मौजूदा हैं ये भी ऐसे हैं, ये कहते हैं कि इधर से हमने कमाना है और लंदन पहुँचाना है, क्योंकि वहाँ पे हमने रोजी करनी है, क्योंकि कारोबार तो लंदन में है। यहाँ पे क्या खाक है, यहाँ पे तो ये समझे कि नौकरी करने आते हैं, नौकरी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मजे लेंगे और क्या करेंगे, हम गरीब आवाम नचोड़ेंगे चूसेंगे। कई लोग कहते हैं कि इमरान खान का ये हक नहीं था कि उसने IMF को खत लिखा कर्ज के, पाकिस्तान को कर्जाना था। ज़रा सोचें कि अगर आपके घर में कोई एक आदमी नशा कर रहा हो, नशे में मुब्तला हो, नशे की लत लग चुकी हो, और वो आपके नाम के ऊपर किसी से कर्जा ले ले, और उसके बाद वो अपने नशे में उड़ा ले, अयाशी में उड़ा ले, उसके बाद उसका जो बाप होगा वो कहेगा कि बेटे ने जो कर्ज लिया है तो सब इसके भाइयों मेरे बच्चों मिलके इसका कर्ज उतारते हैं, तो जो सबसे पहले जिसने कर्जा दिया होगा उसको वो कहेगा कि भाई आपने जो इसको कर्ज दिया था तो आपने हमसे पूछा था, वो कहेंगे नहीं पूछा था, वो कहेंगे अच्छा अब लेने क्यों आ गए हो, तो उसका तो यही जवाब होगा कि भाई दिए थे तेरे बेटे को, दिए थे, तेरा बेटा है, कोई पराया तो नहीं है, इसको दिए हैं। तो हमारे साथ यही हो रहा था इमरान खान साहब, दरअसल IMF को इसीलिए वो कह रहे थे कि खुदा रा इन करप्ट लोगों को कर्ज ना दें, ना दें, क्योंकि ये तो हमेशा कर्ज लेकर अपने बैंकों में भेज देते हैं, और वो जो बाहर बैठे हैं वो भी कोई मंसूर अली खान की तरह कोई लोडे लपाड़े नहीं है, उनको भी पता है कि इनको कर्जा दो, वही कर्ज वो आराम से वापस हमारे बैंकों में भेजेंगे, हमारे बैंक भी भर जाएंगे और वापस उन्हीं अवाम का खून नचोड़ कर उनके ऊपर टैक्स लगाए जाएंगे, चीज़ें महंगी की जाएंगी, महंगाई का एक सैलाब आएगा और अवाम के जेबों से ये पैसा जाएगा, इन्होंने अपने अयाशी करनी और बाकी पैसा उन्होंने वहीं पे भेजना है जहाँ से पैसा आया है। तो अल्लाह से हमारी यही दुआ है कि काश पाकिस्तान में कोई ऐसा हुक्मरान आए जिन्होंने कर्ज लिया हो उनको बांध कर उनके हवाले कर दें, कि ये ले जनाब इनसे आप लोग, इन लोगों ने आपसे कर्ज लिया था, यही आप लोगों के सहूलतकार थे पाकिस्तान को बर्बाद करने में, तो ये ले, ये वापस हमसे ले लें, इनको कर्ज दिया था आप लोगों ने तो आवाम को दिया ही नहीं था, अगर आवाम को कर्ज दिया होता तो आज हमारी आवाम इतनी ख्वार होती, जो बच्चा माँ के पेट में है वो मकरूज है, वो कहाँ से उसने कर्जा ले लिया, जिसको अल्लाह ताला औलाद से नवाजता है तो कोई भी बेचारी औरत जिसकी औलाद नहीं हो रही होती वो जब टेस्ट करवाती है और डॉक्टर साहब उनको कहते हैं लेबोरेटरी में कि अल्लाह ताला ने आपको औलाद से नवाजा है, आपके टेस्ट मुस्बत हैं, तो वो खुश तो हो जाती है, लेकिन उस बेचारी को ये नहीं पता कि ये जो बच्चा मैंने अल्लाह से मांगा है हमारे हुक्मरानों ने इसके नाम के ऊपर भी कर्ज लिया है, और ये जो मेरा बच्चा अभी पैदा हुआ नहीं, जिसको 7-8-9 महीने रहते हैं पैदाइश में, ये बेचारा पहले से मकरूज है। तो आप खुद सोचें क्या ये इंसाफ है,
का इंसाफ का यही तकाजा है? मेरे ख्याल में तो नहीं है। बाकी अल्लाह ताला करम करेगा। मैं यहाँ से कुछ चीज़ें घर वालों के लिए लेना चाह रहा हूँ इंशाल्लाह, बाकी बातें कल होंगी। अब तो हमारा यूँ ही रब्ता रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखें, और अगर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वही कुछ करें जो हर यूट्यूबर आपको कहता है। थैंक यू।